हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एशिया टेलीकॉम पे। आज है हमारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर सीरीज़ का डे 5। आज हम समझने वाले हैं अलग अलग फ़ोन्स के अलग अलग फ्लैश फाइल के बारे में। सीपीयू बेस्ड फ्लैश फाइल हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर आपको कोई भी फ़ोन का सीपीयू चेक करना है, अगर आप फ्लैशर हो तो आप ये इस GSM अरिना की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने Redmi 6 का चेक किया है, यहाँ पर शो कर रहा है प्लेटफॉर्म के सेक्शन में हमारा MTK का CPU। देन हमें उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है हमारे CPU के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा है Redmi का 6 है, तो मैं सिंपली Redmi 6 से फॉर्मवेयर लिख दूंगा। हम फॉर्मवेयर या फ्लैश फाइल कुछ भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, हम फ्लैश फाइल लिख देंगे। फ्लैश फाइल लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है। देन जो सबसे फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है हम वो डाउनलोड करेंगे। यहाँ से सिंपली आपको वन क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी फाइल्स को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसके डबल से डाउनलोड नहीं करने वाला। आप अगर ने डाउनलोड कर नहीं किया आपने अगर, तो आप कर सकते हैं। तो फोल्डर में चल जाना है, फाइल के डाउनलोड के फोल्डर में चले जाना है हमें। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारी फाइल एक्सट्रैक्टेड है। ये जिप फाइल में आती है, इसका आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसे हम सिंपली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको मोबाइल की वेरियस शो हो रही होगी फाइल्स। देन हमें इसके बाद एक ज़रूरत लगेगी एक टूल की। आप कोई सा भी पेड टूल यूज़ कर सकते हैं या फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक फ्री टूल से यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे फ्लैश फाइल फ्री टूल में डालते हैं हम। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका CPU तो पता ही है, जैसे कि MTK CPU है। तो हमें इसका टूल यूज़ करना है, SP Flash Tool, जो कि जनरली MTK के CPU में यही टूल यूज़ होता है। ये ऑफिशियल टूल है MediaTek का। हमें इसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको ये प्लेस खाली रहती है। मैं पहले कुछ सिलेक्ट कर चुका हूँ फाइल से, इसलिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वरना ये ऑप्शन खाली रहता है। देन आपको यहाँ से सिंपली चूज़ करना है। जैसे मेरा मोबाइल सॉफ्टवेयर के फोल्डर में मेरा Redmi 6 है, तो मैं Redmi 6 की फाइल सिलेक्ट करूँगा। देन हमें, अगर आपका MI का फ़ोन है, तो इमेज के सेक्शन में आपका स्कैटर फाइल मिलेगा। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपका MTK का फ़ोन है, तो इधर मेन जो फाइल रहती है हमारी स्कैटर फाइल रहती है। अगर आपने डबल क्लिक करके स्कैटर फाइल सिलेक्ट कर दी, तो आपकी मोबाइल की जितनी भी सारी फाइल है वो आपको नीचे शो हो जाएगी। तो सिंपली जस्ट हमें यहाँ से हमारी फाइल चूज़ कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। बट एक इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास SP Flash Tool है, तो उसमें आप को ऑथ बाईपास नहीं मिल पाता। आपको मैनुअली ऑथ बाईपास करना होता है। वो आपको मैं आगे आगे वीडियो में बताऊंगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सिंपली जस्ट फाइल सिलेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि कौन सी फाइल में क्या मेन चीज़ रहती है और कैसे उसको टूल में इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे MediaTek की। देन हम चले जाएंगे क्वालकम में। क्वालकम में हमारे पास फ़ोन है Redmi का Note 6 Pro, जैसा कि आप देख सकते हैं Note 6 Pro। यहाँ पे हमारी सारी फाइलें शो हो रही होगी आपको। इसका भी फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे सिंपली ब्राउज़र पर चले जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद सिंपली हम लिख देंगे Redmi Note 6 Pro फ्रेश वाले ने, इंटर हिट कर देना है। देन इधर भी जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो हमारी लेटेस्ट फाइल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आपका फाइल जहाँ पे डाउनलोडेड है वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरा फाइल ये है, ये रहा, ये जो ये फाइल है ये मेरा Redmi Note 6 Pro की है। देन हमें सिंपली कुछ नहीं करना है,
हमारा जो टूल ओपन कर लेना है, हम UMT टूल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वालकम का ऑफिशियल टूल आता है फ्लैशिंग का, वो कोई कोई फ़ोनों में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम जो क्वालकम की फ्लैशिंग है वो UMT से करेंगे। UMT से मेथड बताएंगे आपको किस तरीके से कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि फाइल को कैसे सिलेक्ट करना है। जब हम फ्लैशिंग करेंगे तो अपन डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी ट्राई करके देखेंगे। एक फ़ोन को अलग अलग टूल से फ्लैश करने वाले हैं, जैसे UMT टूल हो गया, अनलॉक टूल हो गया, अलग अलग टूल से फ्लैश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टूल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। हमने हमारे टूल को ओपन कर लिया है, देन हमें चले जाना है सिंपल फ्लैशर के ऑप्शन में। फ्लैशर के ऑप्शन में जाने के बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है हमारे प्रोग्राम फाइल। जो क्वालकम का सीपीयू रहता है, इसमें आपको मेन ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो फ्लैश फाइल रहती है, इसके अंदर एक रॉ प्रोग्राम फाइल होती है, वही सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है, वो सबसे पहले आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप रॉ प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करोगे तो आपकी सारी फाइल लाइन बाय लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें हमारे फोल्डर में चल जाना है जहाँ पे हमने फाइल सेव कर रखी है। मैं फर्मवेयर के सेक्शन में चल जाना है, देन हमें हमारा फाइल सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरा Note 6 Pro है। फिर हमें चल जाना है इमेजेस के सेक्शन में। अगर आपका फ़ोन EMI का है तो आपका जो फ्लैश फाइल होगा वो इमेजेस के सेक्शन में होगा। डबल क्लिक करके यहाँ पे जो मेन फाइल है हमारी, रॉ प्रोग्राम फाइल, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक फाइल सिलेक्ट करी तो हमारी सारी फाइल लाइन बाय लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। हमारी प्रो प्रोग्राम फाइल भी सिलेक्ट हो गई है, हमारी पैच फाइल भी सिलेक्ट हो गई है, सारी चीज़ें हमारी लाइन बाय लाइन सिलेक्ट हो गई है। देन हमने फाइल सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से अगर फ्लैश करना चाहे तो फ्लैश भी कर सकते हैं, जो कि आपको आगे मिलेगा। आपको लाइव फ्लैशिंग करके बताई जाएगी, एक फ़ोन में अलग अलग तरीके से आपको फ्लैशिंग करके बताई जाएगी, तो आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आगे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आगे के चैप्टर्स में आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब करना होगा, कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी लेटेस्ट अपडेट कब से कब आ रही है। तो मेक श्योर रहे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देन हम नेक्स्ट चले जाते हैं सैमसंग वाले टूल में। तो हम सैमसंग में यूज़ करने वाले ओडिन, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ जो सैमसंग रहता है इसमें कोई भी CPU मैटर नहीं करता, इसमें आप कोई से भी फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हो। सैमसंग के कोई भी CPU, सिंपली आपने उसको गिवन फाइल सिलेक्ट करके सिंपली फ्लैश पे क्लिक कर देना है या स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको एक बार इसमें फाइल सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। हमें इधर जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है BL वाला, इस पर क्लिक कर देना है। देन हमें हमारा जहाँ पे फाइल सेव है वहाँ चल जाना। जैसे मेरे पास एक J7 की फाइल है, आपको लेटेस्ट फाइल बता देते हैं, ओल्ड भी क्यों बताया, हम A50 बताते हैं लेटेस्ट फाइल। अब इसमें आपको कई सारे फाइल के ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको एक एक करके सही जगह के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे BL का ऑप्शन है तो आपको BL वाली फाइल सिलेक्ट करना है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे BL वाली फाइल, तो डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। ये हमारी फाइल थोड़ा टाइम लेके सिलेक्ट हो जाएगी। देन हमें AP की फाइल सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके। ये जो AP की फाइल रहती है ये बड़ी फाइल रहती है, इसमें पूरा फ़ोन का फर्मवेयर रहता है, तो ये फाइल सिलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमारा टूल ख़राब हो गया है या PC में प्रॉब्लम है, ये जनरली टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के वेट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल सक्सेसफुली आ चुकी है AP की। देन हमें हमारी नेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर लेना है CP वाली। सिंपली यहाँ पे वापस हमारे फर्मवेयर में आ गए, हमें CP का फाइल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे CP का फाइल शो हो गया। देन हमें हमारी अगली फाइल CSV सिलेक्ट कर लेना है। हमने यह फाइल भी सिलेक्ट कर ली। आपका अगर यूज़र डाटा फाइल ना भी हो, ये जनरली नहीं रहता है, आपको ओनली इतना सिलेक्ट करना होता है। देन सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करके आप फ्लैशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई कोई फ्लैश फाइल रहती है, हम जब डाउनलोड करते हैं कि हमको वहाँ पे हमारी
जो बीएल रहती है, बीएल रहती है, सीपी रहती है, सीएससी रहती है, वो नहीं मिल पाती, तो आप सिंपली एपीके फाइल सिलेक्ट करके भी हमारा फ़ोन फ्लैश कर सकते हैं, आपका फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। उसमें बस रहता है कि आपको एपी में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, तो सिंपली आपको एपी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टार्ट पे हमारे फ़ोन को कनेक्ट करके फ्लैश कर देना। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैश कैसे होगा, लाइव फ्लैशिंग करके बताने वाले हैं, अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि फ़ाइल इनपुट कैसे करते हैं, ज़रा पेशेंस रखिए, आगे आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं ऐसे टेलीकॉम से, तो हम आपको जो स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की देने वाले हैं, एकदम एक्सपर्ट लेवल की देने वाले हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते आपको वो वाला नॉलेज मिलने वाला है। आप सोचिए, हम जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मतलब जिसने ओनली मोबाइल का आज तक नट खोला है, चार्जिंग जैक चेंज किया है और स्क्रीन चेंज की है, उसके अलावा उनने आईसी को उठाया तक नहीं, इवन आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उससे चौथे दिन में गारंटी एकदम हम पढ़ाते ही नहीं है, मतलब टीचिंग नहीं कर देते, गावनली गारंटी देते हैं कि गारंटी से आप चौथे दिन सीपीयू निकालोगे, और हम ऐसा मनी बैक गारंटी देते हैं, अगर चौथे दिन सीपीयू नहीं निकला तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। ये जो गारंटी देने का लेवल है, ये सिर्फ ऐसे टेलीकॉम के पास है, जो इंडिया का मतलब नंबर वन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी गारंटी दे सकता है कि आप चौथे दिन अगर आप सीपीयू नहीं निकाल पाए तो आपकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाएगी और आपको घर पहुँचा दिया जाएगा। तो मीन्स ऐसे टेलीकॉम मीन्स ट्रस्ट होता है हमारे यहाँ, जैसे आप समझते हैं ना, कोई कोई इंस्टीट्यूट आजकल बहुत इंस्टीट्यूट हो गए हैं, चीप वाले इंस्टीट्यूट जो कम कम पैसों में पढ़ाते हैं, तो आप ही सोचिए कि जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक एक तरफ आईफोन है, मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और एक तरफ है आपका आईफोन का क्लोन है। आईफोन का क्लोन आप समझते होंगे जो चाइनीज में होता है, दिखते दोनों सेम है, बाकी आप लेते हैं हमेशा आईफोन ही हो, क्लोन क्यों नहीं लेते? अगर क्लोन लेंगे तो उसमें कुछ चलेगा नहीं, क्लोन के अंदर क्या ही चलेगा, वो जस्ट ओपन करेंगे तो ग्लिच आएगा, फर्जी एप्पल लोगो आएगा, फिर कुछ चलेगा नहीं, कुछ चीज़ ओपन नहीं होगी, तो वो चीप रहता है। आप अब उसका भी क्लोन है, आप ऐसा उसमें क्यों नहीं सोचते कि मैं ये क्लोन ले लेता हूँ, मेरा सस्ते में काम हो जाता है, मेरे को सस्ते में मोबाइल दिख रहा है, आप आईफोन ही लेंगे ना, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो आपको फीचर्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह ऐसे टेलीकॉम भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग, ये है ना क्लोन नहीं है किसी चीज़ का, ये आपको फर्जी चीज़ें नहीं दे रहा है, आपको ऐसा बोल के आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आपको यहाँ पे बुला के टाइम पास नहीं करा रहा है। ऐसे टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेम डे प्रैक्टिकल करा के देता है और गारंटी भी देता है। जैसे हमारी थ्योरी क्लास होती है सुबह, तो सुबह जैसे थ्योरी क्लास होगी ना, वैसे ही उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चालू हो गया, और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब 2-3 घंटे प्रैक्टिकल करा लिए फिर बोल दिया घर चले जाओ, हॉस्टल चले जाओ और रेस्ट करो। हमारी ऐसा है कि जो क्लास होती है हमारी 14 घंटे की क्लास होती है, और बैक टू बैक क्लास होती है, जैसे थ्योरी क्लास हुई फिर आपको मतलब थ्योरी क्लास के बाद जो भी ब्रेक रहता है हमारा खाने का, और उसके बाद जस्ट थ्योरी क्लास के बाद जस्ट आपके प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल भी ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल भी आपको उसके अंदर एक टीचर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया है, आप लैब में बैठे हुए हो और आपकी बातें चल रही है, कुछ भी कर रहा है, एक डेडिकेटेड टीचर रहता है, एक्सपर्ट टीचर रहता है, जो इंडिया का सबसे नंबर वन टीचर है, वो टीचर आपके पास रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल कराएगा, जो आपने थ्योरी में आज पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइव करके देखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे और उसको अच्छे अच्छा सा अपने स्किल में लाओगे, और जब जाके आपको आउटपुट मिलता है ऐसा। अब क्योंकि हमें नंबर वन रहना है, हमें एप्पल रहना है, हमें क्लोन नहीं बनना ना, इसलिए हम ओरिजिनल है, ओरिजिनल बन के रहते हैं, तो इसलिए हमारी फीस भी जो है वो है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है आपको मेस और जो रहने का रहता है आपको रेसिडेंशियल और मेश दोनों फ्री देता है। अब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप जैसे बड़े बड़े जगह पे जा रहे हो, आप इससे जितना की फीस नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आप रहने खाने में खर्च कर देते हो, ऐसे टेलीकॉम आपको वो चीज़ें भी एब्सोल्युटली फ्री दे रहा है। और अभी के जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट बैच हमारी आने वाली है 28 जून की, गिफ्ट समझ सकते हैं, आपके लिए एक ऑफर ऐसे टेलीकॉम निकाल रहा है एक्सक्लूसिव फॉर 28 जून के स्टूडेंट के लिए। आपको आईफोन का जो कोर्स है ना, प्रीमियम कोर्स है ना, वो एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं, और ये सिर्फ 28 जून के बैच के लिए रहने वाला है। जो प्रीमियम कोर्स है, जो हमारा कोर्स है 20-25 हज़ार रुपये का, वो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे टेलीकॉम सोचता है अपने स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट इतना दे के आ रहा है तो हमें भी कुछ उसको इनकरेज करने के लिए कुछ देना चाहिए। और ऐसे टेलीकॉम देने वाला है हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार 5G अपडेट। जैसे आप पढ़ के जाएंगे, आपको जो प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको 3 महीने बाद 5G का अपडेट मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल दी जाती है, जो हमारे ऐसे टेलीकॉम के ऑफिशियल ऐप से रहने वाला है।
तो आपको उसका कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कुछ भी आप जैसे पढ़ के चले गए, आपको कुछ अपडेट्स चाहिए तो आपको जो भी अपडेट्स है वो ऐप पे रेगुलरली मिलता रहेगा। हमारी ऐप अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ही हमारी ऐप रिलीज हो जाएगी तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ऐसे टेलीकॉम ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए आप स्टूडेंट आ गए तो आपको बोल दिया हाँ भैया आ गए पढ़ा दिया और फिर जाने के बाद ऐसा बोल दिया कि जाओ भैया आप घर जाओ। ऐसे टेलीकॉम देता है आपको लाइफ टाइम का बैकअप सपोर्ट, साल में 24 बार आ सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम है बस जस्ट प्रॉब्लम है, आपको डाउट आ रहा है कुछ भी आ रहा है, हम ऐप के सारा सपोर्ट तो देते ही देते हैं, कॉलिंग सपोर्ट तो देते ही देते हैं और अपडेट क्लास का सपोर्ट भी देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है आप कुछ मत कीजिए, आप सीधे अपना टिकट बुक करिए और आ जाइए ऐसे टेलीकॉम में, आपको बैक टू बैक सॉल्यूशन दिया जाएगा और एंडलेस सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैकअप के स्टूडेंट है तो आपको बिठा के रख रहे हैं कर रहे हैं, आपको डेडिकेटेड टीचर देगा आपकी क्लास में और आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 7000731192 MD सर को। और ये जो स्पेशल ऑफर है आईफोन स्पेशल कोर्स का, ये आपको ये मंथ में मिलने वाला है, अदरवाइज आप अगले मंथ आओगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द आए और ये बैच ज्वाइन करें। थैंक यू टीम एज ए टेलीकॉम।